ओम शांति। मैं आचार्य बीके लोकेश, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग के प्रयोग का एक साक्षात अनुभव है हमारे किशन हुड्डा जी का, ये एचएल सिटी में रहते हैं और आज इन्होंने अपना योग प्रोग्राम के दौरान अपना अनुभव ऐसा बताया कि गले की इनको इतनी बड़ी समस्या थी, जगह जगह जाके डॉक्टर के पैसे भी खर्च किए, समय भी बर्बाद किया, स्वास्थ्य भी गया, लेकिन कोई भी लाभ नहीं मिला। और जब इनको योग के बारे में जानकारी मिली कि ईएनटी का डॉक्टर है आपका, सिंहासन है, उज्जयी है, कुछ ऐसे कपालभाति, ऐसे प्राणायाम इन्होंने किए जिससे कि आप कृष्ण जी बताएंगे कि कैसे इनका लाभ मिला, बताइए। क्योंकि मैं इसको सुबह शाम दो वक्त करता हूँ इंडिया, और दो बार करने के बाद में मेरा गला पहले से भी अच्छा हो गया। प्रॉब्लम क्या थी पहले ये बताइए? मेरे गले में मेरे जो थूक में सटका जाए था। अच्छा, घटकने की समस्या थी आपको? हाँ, दर्द होता था, पानी में नहीं घट पटका जाता था, खाली थूक सटकू था मैं। अच्छा, मेरे पेन होता था, दर्द, ठीक है। तो मैंने काफी सारी गोली खाई, मैं वहाँ ENT का डॉक्टर है बीके अग्रवाल है शायद जनकपुरी में, ठीक है, उसके वहाँ गया, वहाँ भी मैंने दिखाया, 3-4 महीने मेरा ट्रीटमेंट चला, वहाँ से भी मेरे को आराम नहीं मिला। फिर मैं सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ गया, इसमें मिलिट्री कैंट में, कैंटोनमेंट बोर्ड में, मैंने वहाँ से ट्रीटमेंट लिया, वहाँ से मेरे आराम तो लग गया, पर लेकिन इतना नहीं लग गया, दवाई असर करा। उसके बाद में फिर मैं यहाँ गया राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में, वहाँ मेरी बेटी हमारे जॉब करते हैं, उन्होंने डॉक्टरों ने मेरा अच्छे से इंडोस्कोपी की, बहुत अच्छी मेरे की देख रेख करी, उन्होंने भी कुछ हाथ नहीं लगा, 1000 mg की उन्होंने दवाई लग दी, उस दवाई खाता रहा, इतना आराम होता रहा। फिर मैं यहाँ सरदार जी आते थे उनके सामने यहीं बैठ के, और भी हमारे 10 भाई जो महर्षिदान जी की प्रणाली से जुड़े हुए बुजुर्ग आते हैं यहाँ पे, उनसे भी मैंने बातचीत की, उन्होंने बताया कि आप योग करो और उजी आसन और सिंह आसन करने से मेरे को जो लाभ प्राप्त मिला, मेरा गड़ा पहले से भी दुरुस्त हो गया, अच्छा हो गया, कुल मिला गया। और मैं 2.5 घंटे सत्संग बाणी जाता हूँ स्वामीनारायण महाराज आश्रम से भी लोग करता हूँ। बहुत अच्छा, देखिए योग दिवस पर मैं भी आपके लिए यही बताना चाहता हूँ, गले संबंधी चाहे थायराइड है, टोंसिल है, आवाज चली गई है, या खाना कटकने से संबंधी पानी जो है, थूक है, इस तरह से गले में अटकती है, तो इस तरह की समस्या को लिए सिंहासन और उज्जयी प्राणायाम गजब का काम करता है। चाहे नाक की प्रॉब्लम हो, गले की प्रॉब्लम हो, तीनों ही इसको ठीक करता है। अब इसको करते कैसे हैं देखिए, वज्रासन में बैठ के इस तरह से आप जो है बैठेंगे, पूरा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, जीभ को बाहर निकालते हुए पूरा धीरे धीरे मधुर गर्जना करेंगे, पूरा पेट को खींचते हुए एक बार और, ये हो गया आपका सिंहासन को रोज जो है, जिसको भी थायराइड है, टॉन्सिल है, गले के रोग है, 7 से 11 बार रोज आप अभ्यास करें, आपका समस्या ठीक हो जाएगी बिल्कुल अपने आप। दूसरा उज्जयी प्राणायाम, उसमें कैसे करना, आपने गले को हल्का सा टाइट करते हुए श्वास भरना है, जीभ को ऊपर तालू की तरफ लगाना है, और फिर आपने खुराटा भरते हुए आवाज को भरना, श्वास श्वास को ऐसे भरना आवाज आए आपके वोकल गार्ड, देखिए इसमें, श्वास को नासिका से बाहर निकालना है, ये
जिस तरह से आपने श्वास भरना है गले को टाइट करते हुए, जिससे नहीं होता है तो मुंह खोल के मैं दिखाता हूँ कैसे आवाज निकालनी है। ऐसे आपने भरना है और नासिका से बाहर निकालना है। शुरुआत में थोड़ा गले में वो हो सकती है, आपको पानी रख लीजिए, एक घुट पानी पी लीजिए, खारिश हो सकती है तो घबराए नहीं, उसे मुलैटी रखिए, मुलैटी चूस लीजिए तो गले की वो समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। तो ये गले के डॉक्टर हैं, दवाई से बचना है, थायराइड को ठीक करना है तो 15-15, 20-20 बार तक भी रोज आप करेंगे तो आपको मैजिकल रिजल्ट मिलेगा, आपको पूरा लाभ मिलेगा। और योग, नेचर क्योर, आहार से संबंधी वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, नमस्कार।